गुड बिहेवियर पेरेंट्स के साथ कैसा होगा? अब आप लोग बताओ, चलो कैसे बात करना चाहिए अमीबा से? अच्छे से का मतलब क्या है? कैसे बात करेंगे बताओ? यस, सुनना, उनकी बात सुनना, वेरी गुड माशाल्लाह, उनकी बात सुनना चाहिए, उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। और बताइए, हाँ उनको, हाँ उनको, हाँ बहुत ख्याल रखना चाहिए। और क्या करना चाहिए? गलत काम करेंगे तो हम लोग सही के लिए मारते हैं। अच्छा, माँ बाप जो करेक्ट भी करते हैं तो सही के लिए करते हैं, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। हाँ, क्योंकि माँ बाप जो करते हैं चाहते हैं वो अच्छा चाहते हैं बच्चों का। अम्मी अब्बा लव करते हैं बच्चों को, अम्मी अब्बा अच्छा चाहते हैं बच्चों का। और एक लड़के ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि सबसे पहले कौन है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए थे तुम्हारी माँ, फिर बोले थे कि कौन है, फिर उसने बोला था कि तुम्हारी माँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, फरमाया था। हाँ, फिर उसने पूछा था कि कौन है, फिर तुम्हारी माँ, तो फिर उसने पूछा था कि अब कौन है, तो अब। वेरी गुड माशाल्लाह, सही बुखारी की हदीस है कि कौन है जिसका कंपेनियनशिप पर, साथ पर सबसे ज्यादा हक है, तो कहा पहले सवाल में तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तीन बार जैसे आपने बताया, और लास्ट में अब्बा कहा। तो हम देखते हैं कि माँ बाप का बहुत बड़ा हक होता है, उनके साथ बात करेंगे तो कैसे रिफर करेंगे, उनसे इज्जत वाले वर्ड यूज करेंगे, रिस्पेक्ट वाले वर्ड। हाँ हाँ, बिल्कुल सही माशाल्लाह, वेरी गुड। हम लोगों को रिस्पेक्ट वाले वर्ड माँ बाप के लिए यूज करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? बैड, गलत वर्ड्स नहीं यूज करना चाहिए। हाँ, गलत वर्ड्स नहीं यूज करना चाहिए। माँ बाप के साथ कोई बैड बिहेवियर करे ना, तो ये बहुत बैड सिन है, इसकी पनिशमेंट दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी। तो इसी वजह से अम्मी अब्बा के साथ बैड बिहेवियर कभी नहीं करना चाहिए। iPlus TV, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से iPlus TV आज ही डिमांड करें। iPlus TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।